अब यहाँ पे देखिए कि अप्लाई हमको किस तरह से करना है। आपके पास कारक तत्वों की लिस्ट है, कल हमने कारक तत्व लिखे भी थे। अब उसमें से हम एक कोई भी कारक तत्व यहाँ पे पकड़ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको फादर के बारे में, किसी भी जातक के फादर के बारे में आपको प्रिडिक्ट करना है, कुछ स्टडी करना है, कुछ एनालाइज करना है, या उनके जीवन में जो इवेंट्स हो चुके हैं, जो होने वाले हैं, उनके बारे में आपको कोई ना कोई प्रिडिक्शन करना है। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट रूल हम नाड़ी सिस्टम में फॉलो करते हैं, दैट इज फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ कारक तत्व। ये रूल्स हैं। तो पहला रूल क्या है कि आप जिस एरिया ऑफ लाइफ को स्टडी कर रहे हो उसके कारक तत्वों को पहचानिए। दैट इज द फर्स्ट रूल। आप जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में आप एनालिसिस कर रहे हो, उस एरिया के बारे में समझना चाह रहे हो, उसके कारक तत्वों को पहचानिए। अब जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल हम क्या ले रहे हैं कि फादर के बारे में जानना है, और ये एक हॉरोस्कोप हमारे सामने, इस व्यक्ति के फादर के बारे में हमको एनालाइज करना है। ठीक है, तो फादर का कारक तत्व कौन है? सन सन है। फादर का कारक तत्व इज सन। तो सूर्य यहां पर है, 11th हाउस में है, पाइसेस साइन में है। रूल नंबर टू इज सन को ही आप लगन बना लो, यानी कि मैं इसको फर्स्ट हाउस बना लूंगा यहां से। समझ में आया मैंने क्या किया? सर वो कैसे करते हैं? नहीं सर, एक बार दोबारा प्लीज रिपीट कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले हमने कारक तत्वों को आइडेंटिफाई किया। कारक तत्व यहाँ पे सूर्य है, क्योंकि फादर के बारे में एनालाइज कर रहे हैं। अब ठीक सन को ही हम लगन बना लेंगे, और अब इससे हम पूरे चार्ट को स्टडी करेंगे। सर, हमारा वो जो क्या ये ओरिजिनल लगन ओरिजिनल बनाया असाइनमेंट कैसे है, आपने सर, वो हमें भी बता दीजिए। ये तो मैम सॉफ्टवेयर में बन जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है। और नहीं आप अगर वो नहीं भी बनाएंगे तो भी वहां से आप 159 लेकर कर सकते हैं, बट थोड़ा सा आपको समझ में आए इसलिए मैंने सन को लगन में मैं लेकर आया। सर, अब हमें फादर का देखना होगा जैसे, तो हम वही जैसे पहले हम लोग जातक के लिए लेते हैं 159, 2610, हाँ ये ऐसे ही देखिए, चलेगा जातक ना? जातक के लिए तो यही है ना, ये जातक का चार्ट है। अब हमको फादर के बारे में देखना है, हाँ तो सन जहां पर है उसको हम फर्स्ट हाउस बना देंगे। जी हाँ। अब यहां से इस जातक के फादर के बारे में एनालिसिस आप पूरा करें। क्लियर सर हुआ? हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करें? यही आप यूज करिएगा, जगन्नाथ हो रहा, उसके बारे में मैं आपको और डिटेल बता दूंगा आगे चल के। तो ये हमारा सेकंड रूल है, सेकंड कि हमने यहाँ पे सूर्य को लगन बना दिया। अब सूर्य के साथ जो जो प्लैनेट्स कंजंक्ट हैं उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले कंजंक्शन में हमको देखना है 159। तो सूर्य से 159, सूर्य से 159 में सर आएगा 4 और 8, 4 और 8। 4 और 8 में कोई प्लैनेट है नहीं, 1 में सारे प्लैनेट्स एक साथ यहाँ पर बैठे हुए। तो ये सब प्लैनेट्स यहाँ पे कंजंक्ट हो गए, जुपिटर, मर्क्यूरी, मून और सन, ये सारे प्लैनेट्स यहाँ पे कंजंक्ट हो गए। अब एस्पेक्ट यहाँ पे किस प्रकार से देखा जाता है? तो एस्पेक्ट में एक मैंने आपको बताया था, सेवेंथ एस्पेक्ट देखा जाएगा। वैसे सेवेंथ एस्पेक्ट जो है, इट इज एन एस्पेक्ट, वो दृष्टि है, लेकिन वो इतनी पावरफुल दृष्टि है कि वो कंजंक्शन के जैसा ही बिहेव करती है। ओके, तो ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो एस्पेक्ट यहाँ पे सेवेंथ में कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ। 3 और 11, तो 3 और 11 में भी कोई एस्पेक्ट एस्पेक्ट नहीं है। 2 12, 2 12 अभी हम यूज नहीं करेंगे, इसका एप्लीकेशन थोड़ा सा अलग है, और ये एस्पेक्ट के फॉर्म में एक वीक एस्पेक्ट कहलाता है। तो वैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे 2 12 में, तो 12th में सैटर्न है और सेकेंड में राहु और वीनस है। तो सर अभी यहाँ पे आप सबसे पहले इस कंजंक्शन को हम नोट डाउन करेंगे। सन, जुपिटर, मर्क्यूरी और मून, ये हमारा कंजंक्शन यहाँ पे बना है।
सन, जुपिटर, मरकरी, मून, +4, 8, 6, 2, 10। एस्पेक्ट यहाँ पे कोई है नहीं मैम, साइन है यहाँ पे पाइसेस। हाँ जी, हाँ जी सर, साइन लिख लेंगे हाँ साइन भी सबका, लिखना, साइन लिख लेंगे ना सर। मैंने साइन लिखना। 4, 8, 6, 2, 10 सर अभी याद नहीं ना, एक्चुअली इनका सिर्फ नंबर ही लिखे हैं इसलिए। कैंसर, और ये 12th साइन पाइसेस इज 12th साइन, और इसके साथ कंजंक्शन में कौन कौन से साइन आ रहे हैं, फोर और एट, यानी कि कैंसर, कैंसर और स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो और और स्कॉर्पियो। वर्गो, वर्गो, टॉरस, नहीं कैप्रिकॉर्न। वो सब नहीं आएंगे ना मैम, फोर एट अच्छा ट्वेल्व का कंजंक्शन होगा ना, लगन से 159 आपको देखना है, तो हाँ लगन सर, से 159 इज 4, 8 एंड 12। वो तो स्कॉर्पियो। पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। अब यहां पर स्ट्रेंथ के रूल्स सबसे पहले हम अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे सन एग्जॉल्टेड है, डेबिलिटेटेड है, ओन साइन में है, एनिमी साइन में है, फ्रेंड साइन में है, क्या है? तो यहाँ पे सन जो है वो जुपिटर के साइन में है, जुपिटर पाइसिस का लॉर्ड है, पाइसिस और सैजिटेरियस, करेक्ट? राइट, तो फ्रेंड्स फ्रेंड के साइन में है, तो इट इज अ पॉजिटिव पार्ट फॉर सन। उसके बाद यहां पर सन का कंजंक्शन भी जुपिटर के साथ है, तो अगेन यहां पे फ्रेंड्स, फ्रेंड्स में हो गया, सन एंड जुपिटर आर फ्रेंड्स। सन और मर्क्यूरी का क्या रिलेशन? फ्रेंड सर, ठीक है, और सन एंड मून? कौन जी फ्रेंड है? फ्रेंड्स, फ्रेंड्स, सन एंड मून आर फ्रेंड्स, सन एंड मर्क्यूरी आर फ्रेंड्स, सन एंड जुपिटर आर फ्रेंड्स, जी सर, ऑल फ्रेंड्स। और सन यहां पे इट इज इन जुपिटर्स साइन आल्सो। यस यस सर, ये सन और जुपिटर फ्रेंड्स क्यों नहीं है आपने? क्योंकि जो सन के फ्रेंड्स बताए थे एज पर चार्ट। अच्छा हाँ, नॉन जुपिटर है। जुपिटर एंड सन आर फ्रेंड्स। अब देखिए यहां पर सूर्य की स्थिति अच्छी है, करेक्ट? ओवरऑल एक बेसिक आइडिया हमें समझ में आ रहा है दैट फादर जो है इस नेटिव का, उनकी लाइफ अच्छी है, फादर की पोजीशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हमें दिख रही है। अब फादर यहाँ पे सूर्य है और जुपिटर के साथ कंजंक्ट है, तो फादर के बारे में आप प्रिडिक्ट करना है, तो फादर के बारे में प्रिडिक्ट करने के लिए आपको इन सारे प्लैनेट्स के सिग्निफिकेशंस पता होने चाहिए, किस किस के, जुपिटर, मर्क्यूरी और मून। सन तो फादर है, सन जुपिटर के साथ है, अब जुपिटर क्या दिखाता है? गुरु गुरु। और सर, एक सर एक मैच्योरिटी। क्वेश्चन है, एक देखिए मिनट। यहां पर क्या है ना, अब हमने कल जो कारक तत्व लिखे थे उनमें से आपको ना सिलेक्टिव होना है यहाँ पे, कि हम फादर के बारे में प्रिडिक्ट कर रहे हैं, तो कौन सा कारक तत्व यहाँ पे जुपिटर का हम ले सकते हैं। जैसे एक कारक तत्व मैंने आपको जुपिटर का लिखवाया था, दैट वाज एमिनेंट सेल्फ पर्सन, एमिनेंट निकालिए लिस्ट, अथॉरिटेटिव निकालिए पर्सन, लिस्ट, लिस्ट निकालिए जो कल लिखी थी अथॉरिटेटिव, हमने, अथॉरिटेटिव एमिनेंट अथॉरिटेटिव पर्सन। एंड एमिनेंट पर्सन। तो ये जो कारक है, ये जो सिग्निफिकेशन है, पर्सन क्या होगा सर? प्रतिष्ठित एक समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति। व्यक्ति, ठीक है। अब ये सिग्निफिकेशन जुपिटर का यहां जुड़ेगा, गुरु भी जुड़ सकता है, कि गुरु फादर ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जिनकी लाइफ में गुरु का प्रभाव बहुत ज्यादा हो, किसी गुरु को फॉलो करते हो, या अपने सन के लिए वो खुद एक खुद तरह गुरु, से गुरु हो सकते हैं, राइट, ये भी एक सिग्निफिकेशन आप यहाँ पे जोड़ के देख सकते हैं। दूसरा एक अथॉरिटेटिव
व्यक्ति होगा, जो जो इनके फादर होंगे वो एक अथॉरिटेटिव व्यक्ति होंगे। अब देखिए इवन अंदर तो से हमने, सॉफ्ट भी होंगे क्योंकि मून का मून भी है ना। जी मैम एक कंप्लीट मुझे कर लेनी चाहिए फिर आप इनपुट्स दीजिएगा, राइट। अदरवाइज क्या होता है, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ ना वो पूरा फ्लो टूट जाता है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी आप एक बार सब म्यूट कर दीजिए, ये बीच में ऐसे डिस्टरबेंस हो रही है सर, सारे बोल रहे हैं ना, या तो आप एक बार आप डिलीवर करें, उसके बाद कोई डाउट हो किसी का तो पूछ लें, ऐसे आप बोलते हैं बीच में साथ में सारे शुरू हो जाते हैं। राइट, मैं म्यूट कर देता हूँ, जिसको भी डाउट हो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। ओके तो अब देखिए यहां पे हमने एक सिग्निफिकेशन जोड़ा फादर के साथ, और वो सिग्निफिकेशन क्या है, इट फादर इज एन एस्टीम्ड पर्सन, एक समाज में काफी प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे। अब इसको आप टेस्ट कर सकते हो, किस प्रकार से आप इस चीज को टेस्ट कर सकते हो, जो हमने अभी सन की स्ट्रेंथ यहां पे देखी, क्या वो स्ट्रेंथ इस पॉइंट को सपोर्ट कर रही है। मतलब अगर सूर्य की पोजीशन अच्छी होगी तो ये पॉसिबिलिटी है दैट फादर विल बी एन एस्टीम्ड पर्सन इन दी सोसाइटी। यहां पे हमने क्या देखा कि सूर्य की पोजीशन अच्छी है, सूर्य फ्रेंड्स के साथ कंजंक्ट है, जुपिटर की राशि में है, और जुपिटर का प्रभाव सूर्य पे है। तो ये जो हमने यहाँ पे एक सिग्निफिकेशन जोड़ा है, दैट फादर विल बी एन एस्टीम्ड पर्सन इन दी सोसाइटी, ये सिग्निफिकेशन यहां पर सपोर्ट कर रहा है कि यस ये एक पॉसिबिलिटी डेफिनेटली यहां पर बनती है। दूसरी पॉसिबिलिटी यहां पे क्या बनती है, स्पीच, एक बहुत ही प्रबल वक्ता होंगे इनके जो फादर होंगे, उनकी स्पीच इट विल बी पावरफुल, ऐसी स्पीच होगी जो लोग सुनना चाहेंगे, अपनी स्पीच से ये लोगों को प्रभावित भी करेंगे। क्यों? क्योंकि मर्क्यूरी का इन्वॉल्वमेंट है, मर्क्यूरी इज स्पीच, मर्क्यूरी इज बिजनेस, मर्क्यूरी तर्क करने की शक्ति है, करेक्ट। तो इनके फादर के पास स्पीच की पावर है, और इसी स्पीच की पावर से इन्होंने समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाई है। उसके साथ मून, सो मून इज क्रिएटिविटी, मून जो है वो क्रिएटिविटी का कारक है। अब यहां पर आप जब भृगु नंदीनाड़ी पूरा पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको धीरे धीरे स्टोरी जो है वो समझ में आने लगेगी कि यहाँ पे स्टोरी बन क्या रही है। इस व्यक्ति के जो फादर हैं वो एक सफल व्यापारी है, और व्यापार के माध्यम से ही इन्होंने समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्टैब्लिश करी है। किस चीज का व्यापार यहां पे हो सकता है, यहां पे व्यापार जो एक ज्यादा प्रोबेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं रिलीजियस गुड्स, रिलीजियस सर्विसेज, इनसे रिलेटेड व्यापार है, स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स, या इनके फादर इसी लाइन में ही जो स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स, स्पिरिचुअल गुड्स, ये सारी चीजें हैं, इसी लाइन में इन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश करा है। अब ये कैसे मैंने बताया, ये अभी हम डिस्कस करते हैं। इतना आपको समझ में आया, अब मैं ये रूल बताऊंगा कि मैंने स्पिरिचुअल गुड्स ये किस तरीके से यहां पे प्रिडिक्ट किया। या हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे प्रोफेशन को प्रिडिक्ट करना चालू करते हैं उन चार्ट से जो हमने पिछले बैच के साथ शेयर किए थे, उससे आपको एक आइडिया लगेगा एंड और फिर ये आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे समझ में आ जाएगा।
इसमें अभी किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते यस सर, सर कैन आई आस्क अ क्वेश्चन? हैं। यस सर अभी आपने ये कंजक्शन में हमने फ्रेंडली मैत्री देख ली सर, इसमें हम डिग्री अस्त या वो नहीं देखेंगे? सब सब देखेंगे लेकिन एक साथ नहीं, मैम एक साथ देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, एक एक हाँ सूत्र को एक एक रूप नहीं, फिर तभी को हम समझते चलिए। थोड़ा सा तभी हम कर पाएंगे ना सर, प्रोफेशन भी या जो भी कुछ हम अगर बोल रहे हैं तो वो जैसे मरकरी यूजुअली कहा जाता है सन के साथ जो बैठे अस्त हो जाता है, तो डिग्रीज भी देखेंगे उसकी, फिर ही उसके साथ अकॉर्डिंगली बता सकते हैं ना क्या प्रोफेशन रहेगा। अकॉर्डिंगली अभी आप मुझ पे छोड़ दीजिए, आप बता लेंगे। अच्छा, ठीक ओके है। okay. जो अभी आपके दिमाग में चीजें हैं ना उनको थोड़ा सा साइड में रखिए, पराश्री सिस्टम के साथ कंफ्यूज नहीं करना है अभी। सर जैसे कि ये मतलब हायर एजुकेशन में उसके पिता होंगे और कॉलेज में वाया स्पीच वो प्रोफेसर भी तो हो सकते हैं सर। कंसल्टिंग आएगा मैम, आप पुरानी स्टूडेंट है इसलिए आप वहां तक पहुंच पाए हो, कंसल्टिंग का फ्लेवर है इसमें, लेकिन नए स्टूडेंट्स के लिए अभी मैं वो उतना डिटेल में नहीं जाना चाहता, अच्छा ओके सर, ओके हाँ क्योंकि अभी उनको अगर हेलो उतना डिटेल में लेके जाएंगे देन फिर प्रॉब्लम होगी। ओके सर, ओके नेक्स्ट क्लास में सर फिर फ्लेवर्स उनको बताएंगे थोड़ा सा किस तरह से आप और उसको वो कर सकते हैं। चलिए अच्छा सर एक छोटा सा सवाल और इसी हो सर। चार्ट पे मैं आपको इसी चार्ट में आपको रूल बताता हूं। देखिए अब यहां पे प्रोफेशन अगर आपको प्रेडिक्ट करना है इनके फादर का, तो प्रोफेशन कौन सा भाव होता है? 10th हो एंड तो था 10th। तो सूर्य से 10वां भाव देखिए, 9th हाउस, सॉरी नाइन्थ नाइन्थ हाउस नहीं सर, नाइन्थ राशि। नाइन्थ हाँ राशि सॉरी राशि सॉरी नाइन्थ हाउस। राशि सर शेप सूर्य से के कौन? 10वां भाव इनके प्रोफेशन के बारे में आपको बताएगा। अब सूर्य से 10वें भाव में कोई ग्रह बैठा होगा तो उस ग्रह को भी लिया जाएगा, अगर ग्रह नहीं बैठा है तो सिर्फ राशि के सिग्निफिकेशन को लिया जाएगा। तो यहाँ पे धनु राशि है, सैजिटेरियस। जुपिटर अब सैजिटेरियस क्या है? जुपिटर सूर्य गुरु नहीं, जुपिटर तो जुपिटर इज द लॉर्ड ऑफ सैजिटेरियस, बट वैसे सैजिटेरियस क्या रिप्रेजेंट करता? धर्म की राशि है सर ये। धर्म, रिलीजन, स्पिरिचुअलिटी, आपके जितने भी अनुष्ठान होते हैं, पूजा पाठ, दैट इज ऑल स्पिरिचुअलिटी।